इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है, ये यूरोप के शहरों के मूल्यों के खिलाफ है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica. उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतार कर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर दे। जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटानिया है कि वहाँ से भी वो लोग तंग आए हुए हैं इनसे, और वो अब नए नए कानून बन रहे हैं। अभी ब्रिटानिया ने जो कानून बनाया है अभी नाफज नहीं हुआ है, वो ये कि जो भी इस तरह के इमिग्रेंट्स आएंगे उनको वो पता नहीं कौन से अफ्रीका मुल्क में भेज देंगे। पूरे के पूरे यूरोप के अंदर आज ट्रेंड बदल गया है, रिवाज बदल गया है, और रिवाज हो गया है जो जबरदस्ती घुसाए, जो इमिग्रेंट्स बन के घुसे थे, जबरन घुसाते हैं देशों में, ग्रीस के माध्यम से घुसते हैं, अलग अलग जगहों से घुसते हैं, फिर यहाँ आके बस जाते हैं। सरकारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की बढ़ती है कि इनको खाना दो, इनको पानी दो, इनको शिक्षा दो, इनको सब कुछ दो। उसके बाद जो इनके आने की वजह से अचानक से क्राइम रेट ऊपर चला गया, उसको कम भी करो, तो सरकारें भी अब समझ गई हैं। आप देखो बड़े बड़े अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि बाहर फेंको, बाहर फेंको। आप आज देखिए यूरोप के अंदर में शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जो या तो न्यूट्रल होगा या तो फार राइट होगा। आपको हल्का सा भी ज्यादा इनको अपीजमेंट करता हुआ, माइनॉरिटी अपीजमेंट करता हुआ एक भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपको नजर नहीं आएगा। इतना ज्यादा आप अंदाजा लगाइए यहाँ से, इतना ज्यादा फार राइट का माहौल पूरे पूरे यूरोप में आ गया। और अब जैसे जैसे समय बीतेगा ना, ये माहौल बहुत भीषण होने वाला, ऐसा लग रहा है मारपीट के ही सफाया किया जाएगा यूरोप से। इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच अनुकूलता की समस्या है। ये बात छिपी नहीं है कि इटली के ज्यादातर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में शरिया लागू है, और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए भी मौत। मेरा मानना है कि ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसका सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो एक धुर दक्षिणपंथी नेता है, वो धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से है। जॉर्जिया मेलोनी साल 2008 में 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। जॉर्जिया मेलोनी पर एलजीबीटी विरोधी होने के आरोप लगते हैं, हालांकि वो इनसे इनकार करती है और अपनी छवि सुधारने पर भी काम कर रही हैं। वो बोल चुकी हैं कि पुतिन से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने नेटो के प्रति समर्थन भी जाहिर किया है। फिर 2021 में मेलोनी की किताब आई, इसका नाम आई एम जॉर्जिया था। किताब में भी उन्होंने इसी बात पर जोर किया कि वो फासीवादी नहीं है, साथ ही खुद को मुसोलिनी की वारिस भी बताया। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए मेलोनी ने इस्लामिक आतंकवाद को काबू में करने को जरूरी बताया। उन्होंने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए खतरा बताया। देखिए हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है, तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। इंटीग्रेट होना, किसी कल्चर में जब आप जाते हैं, किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको
वहां पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है, आप किस तरीके से वहां से मिलजुल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसके आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं, और आपके अंदर अगर आप वहां पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहां यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। जॉर्जिया मेलनी, इसका बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है, इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलनी का कहना है, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, जॉर्जिया मेलनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया वेयर शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें कर, बेसिकली इसका यह कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार, तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है। मैं बताता हूं मेलनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी। 14,000 पाकिस्तानी इस वक्त गैर मुल्की जेलों में पड़े हुए। जी हाँ जी, ये अदादो शुमार हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने आज इस खबर को रिपोर्ट किया। इस खबर के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम की वजह से या फिर मुबैना जराइम की वजह से सजाएं काट रहे हैं। इसमें 7 ऐसे भी बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं जिनको गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान गैर ममालिक के अंदर ना सिर्फ सजाएं मौत सुनाई गई बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया। यहीं पर पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी शहरी ने दिन दिहाड़े 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया, रेमंड डेविस। उसको किस तरीके से अमरीका की हुकूमत ने यहां पे अदालती निजाम के थ्रू वापस अमरीका बुलाया। दूसरी तरफ अमरीका की जेल में डॉक्टर आफिया पड़ी हुई हैं, वो किस किस्म के इल्जामात लगा रही हैं, उनके साथ किस किस्म का मुबैना तौर पे सलूक हो रहा है, वो पाकिस्तान की सेनेट के मेंबरान हमें बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के अहम लोग हमें बता रहे हैं। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलनी का। इस वक्त हम बहुत ही अहम खबर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़े हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं। यूरोप के अंदर रुझान बहुत ही ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप के अंदर, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले सोचना भी बहुत मुश्किल था कि इस प्रकार के कुछ बयान आएंगे इतने बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। ये कोई ऐसे ऑपोजिशन में बैठे 2 विधायक वाली, 4 सांसदों वाली पार्टियों के नहीं, बाकायदा अलग अलग देश के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा इस समय पूरे पूरे यूरोप के अंदर तीव्र लहर है पूरी पूरी एकदम फार राइट की। मैक्रॉन को हमने देखा, हमने होलैंड के अंदर में देखा ऐसी सरकारें बन रही, नीदरलैंड के अंदर हमने देखा, पोलैंड के अंदर तो न जाने कब से यही ट्रेंड चला आ रहा है, आज इटली की तरफ अंदर ऐसी बातें हो रही, तो जगह जगह इस प्रकार की बात हो रही है। तो फिर आप समझ जाइए कि आखिर देश जो है पूरा पूरे यूरोप के सारे देश हैं किस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू हो गया है यूरोप की अलग अलग सरकारों के ऊपर कि वो जो ये माइग्रेंट जरूरती घुस आए हैं इनको रोजगार कैसे दें, इनको कैसे रोजगार दें, इनको कैसे खाना दें, इनको कैसे शेल्टर दें, उन सबके बाद इनके द्वारा किए जा रहे क्राइम जो है उनको कैसे ढके छुपे, उनको जो इनके द्वारा क्राइम रेट अचानक से बढ़ गया है इमिग्रेंट्स के आने के बाद, उसके ऊपर आखिर क्या किया जाए। ये सब बड़े बड़े इशू हैं जो आसानी से सॉल्व तो खैर हो ही नहीं रहे, उसका सलूशन सबको एक ही नजर आ रहा है। यूरोप का इतिहास आप देखो ना, इन्होंने एक दूसरे को World War I, World War II में एक दूसरे को इतना बुरी बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा था, तो बाहर वाले को तो खैर क्या ही करेंगे। अभी भी आप देखिए मेलोनी जी की तरफ से जब से ऐसी
बयान आने लगे, उसके बाद तो देखा जा रहा है कि ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा तीव्र किस्म का माहौल बन गया यहाँ पे। और अभी आप देखना यहाँ पर ज्यादातर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान तुर्की ऐसे एक दो देश हैं, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, इनसे अगर बोल दो कि चलो इन जो इमिग्रेंट हैं इनको आप पाल लो तो ये सब भाग जाएंगे, इससे ज्यादा किसी कुछ भी दम भी नहीं है।